तो वेलकम बैक टू माय चैनल, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीज करने वाले हैं और वो इंटरेस्टिंग का नाम है और इस टाइम पे कुछ भी करना मिथ है। आज दिन है मंडे क्या डेट है आज पता नहीं, कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था 18 मई 2020। सुनो तो कल मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला था, भाई किसी को याद है कि आज कौन सा दिन है? मैक्सिमम लोगों का जवाब आया था कि हमें याद नहीं है आज कौन सा दिन है, कल संडे था। तो नहीं तो संडे तो मतलब सबको याद ही रहता था पहले। तो मंडे को हमारा बहुत सारे प्लान बनाए थे सुबह हमने, और अभी टाइम हो गया 2:30 बज गए और उसमें से हमने कुछ भी आधा दिन तो हमने ऐसे निकाल दिया टाइम पास में, पर ठीक है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? आज हम अपना एक तो जो हमारी जो गाड़ी का टायर्स है वो रखने जाने वाले हैं, हमारे घर में कैलर नहीं है तो हम रखने वाले, मतलब कि स्टोर रूम नहीं है हमारे यहाँ, तो हमारी बिल्डिंग में स्टोर रूम नहीं है तो हमें टायर्स, मेरा एक फ्रेंड रहता है यहीं पे रोड के उस तरफ तो उसकी बिल्डिंग में है। कैलर से मुझे यही याद आया कि सब लोग पूछ रहे थे, मुझे बोलने क्यों नहीं देती है, पूरी बात कंप्लीट ही नहीं करने देती है कभी। सॉरी, मेरा फ्रेंड रहता है रोड के उस तरफ। कौन सा फ्रेंड है? मेरा एक फ्रेंड, तुम नहीं जानती, क्यों बताऊं, जानती तो हो तुम उसको। तो उसके यहाँ पे स्टोर रूम में स्पेस है, वहाँ पर हम टायर्स रखेंगे क्योंकि मैंने टायर चेंज करवाए थे, समर टायर लगवा लिए। ये वाले टायर काश भी निकाल सकते हैं, ये लो निकाल किसी को उधार दिए जा सकते हैं। ये वाले टायर नहीं, गाड़ी के टायर है, समर टायर लगवा लिए, विंटर टायर हटा के, और सर्विसिंग भी हो गई गाड़ी की। फिर कार वॉश के लिए जाना था लेकिन वो नहीं हो सकता आज क्योंकि गाड़ी में टायर है, वो शाम को आएगा, शाम तक टायर मुझे गाड़ी में ही रखने पड़ेंगे तो कार वॉश कैसे करूंगा मैं, खुद ही करना पड़ता है। कार वॉश भी दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली हम जाएंगे। हम एक बात बता दे, हाँ बताओ। हाँ तो आप लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, एक तो तुम कमेंट वमेंट पढ़ते नहीं हो, कुछ पता जता रहता नहीं है, तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपके घर का रेंट बहुत ज्यादा है, लाइक बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको उसका एक रीजन बता देती हूँ, क्योंकि ये सिटी सेंटर जो है बस यही है, यहीं से दिखता है। तो सिटी सेंटर पे अगर कोई भी रहता है किसी भी सिटी में किसी भी टाउन में, तो वहाँ के रेंट्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली हाई होते हैं, इस वजह से, है ना। दो 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 तरह के ओपिनियन है एक्चुअली लोगों के, और ऑब्वियसली होते ही हैं किसी भी रेंट को लेके। कुछ लोगों का मानना है बहुत कम है रेंट, कुछ लोगों का मानना है बहुत ज्यादा है रेंट। कुछ जो जिनके लिए कम है वो लोग म्यूनिक, बर्लिन, हैम्बर्ग, स्टुटगार्ट, मतलब जो बड़ी सिटीज हैं उनमें अगर आप रह रहे हो सेंट्रल एरिया में, सिटी सेंट्रल एरिया में बहुत कॉस्टली होता है रेंट। जो लोग स्मॉल टाउन्स में हैं और आउटर में हैं सिटी सेंटर से, वहाँ पे बहुत कम होता है। तो हम क्या है, स्मॉल टाउन है, मतलब मीडियम टाउन है और सिटी सेंटर में, एग्जैक्टली सिटी सेंटर में हम, इसलिए इतना है रेंट। और जैसे हमारे अगर कोई मुंबई में रेंट लेगा कोई हॉटस्पॉट एरिया में तो बहुत ज़्यादा होगा, स्मॉल टाउन्स में कोई लेगा तो रेंट कम होगा, सभी जगह सेम सिचुएशन होती है। और हम लोग नंदू बन के घूम रहे हैं आज, टीम ब्लैक है हमारी। और अच्छा दीपक, तुम एक चीज नहीं भूले क्या? हाँ, मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम्हें हर दिन सरप्राइज देना है। मुझे सरप्राइज तो देना है, मुझे नहीं पता यार, मतलब मुझे सच में सरप्राइज दिलवाना है, प्लीज आप लोग इसे मेल करो, मेल आईडी दो मुझे, सरप्राइज सब लोग कोई आपको सजेस्ट कर सके। हां मुझे प्लीज सजेस्ट करो, मुझे एक्चुअली सरप्राइज देना नहीं आता है। और मतलब इसका सरप्राइज इज नॉट सरप्राइज फॉर मी, ओह नहीं होता ऐसा, होता है। मैंने एक बार सरप्राइज दिया था और याद है वो रोने लगी थी फोन के लिए, मुझे नहीं चाहिए फोन, मुझे नहीं चाहिए फोन, फोन मैं फोन खरीद के लाया और सरप्राइज दिया उसको, मैंने ऐसे पैक किया कि ऐसे लगे पता नहीं क्या है, पर वो फोन था बहुत महंगा फोन था, तो मैं मतलब बिल्कुल भी मेरे एक्सपेक्टेशन मुझे वापस कर दो, इसलिए समझ नहीं आता मैं क्या सरप्राइज दूं। और दूसरा, हाँ अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी ट्रैवलिंग ओपन होने वाली है, होपफुली अगर सिचुएशन अच्छी होगी तो हम कहीं जाएंगे। और 15 जून से मेरा 16 जून को बर्थडे है और 15 जून को सब कुछ ओपन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद भगवान ने मेरे लिए सब कुछ ओपन किया है, आई डोंट नो, पर मैं बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं आसपास, तो कहीं हम दोनों जा ही सकते हैं। स्पेशली हम कोई छोटी सी क्यूट सी सुंदर सी जगह जाएंगे जहाँ पे भीड़, और अब कड़ी चावल बन गया, चलो फिर अपन जब बाहर जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या होने वाला है।
क्या कर रहे हो इतनी देर से? मैं सोफे पे सो गया था, मैं अपना काम कर रही थी, दीपक सो गया था, देखते देखते नींद लग गई मेरी। तो अब चलें अपन, इट्स ऑलरेडी 7:30 का बोला है उसको। देखो 7 बजे धूप है, 9:30 पे भी ऐसे रहता है, 10 बजे तक दिन निकलता है गर्मियों में। कुछ बोलो। ओके हम रेडी हैं? हाँ मैं तो रेडी हूँ। और हम जा रहे हैं कहाँ? पेलो लेने। और चलो दिखाते हैं, तकिए लेकर आते हैं। तो हाँ हम लोग अब निकल चुके हैं मोमेक्स के लिए। आपको बोला था ना कि हम लोग मोमेक्स जाने वाले हैं, तो हम लोगों को बहुत भयंकर नींद आ रही थी, और फिर भी हमने सोचा कि यार फालतू नहीं सोते हैं, क्योंकि दोपहर में सोते हैं तो रात में बहुत लेट नींद लगती है, तो फिर इस वजह से हम लोग ने बोला कि निकल जाते हैं। एंड हम निकल रहे हैं, और आज पता नहीं क्यों ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर, व्हाट्स द रीज़न वो तो नहीं पता किस बात का हो रहा है, पर एक अच्छी चीज़ होगी सारे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, बहुत भीड़ दिख रही है सिटी सेंटर पे, है ना दीपक? आज मतलब मुझे लगता है सब ओपन हो गया, और जिम तुम कह रहे थे जिम हो जाएगी सेकेंड जून से, तो मुझे लगता है जून में तो सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा जून से यहाँ पर, है ना। चलो फिर अब अपन चलते हैं मोमेक्स। आज टेम्परेचर कितना है? आज है 24-25 डिग्री है शायद। तो ये गाड़ी कौन सी है यार दीपक? बहुत लोग सब गाड़ी के बारे में भी पूछते हैं। ये है मित्सुबिशी ASX। ओके अपन टूर देते हैं जिस दिन अपन गाड़ी धुलवाने देंगे। गाड़ी धुलवा के टूर देंगे यार। हां धुलवा के गंदी हो रही है। गंदी सी गाड़ी तो देखने में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत टाइम से धुलवाई, गंदी नहीं हो रही तो फिर भी। तो यहां है तो बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, सफाई करने के लिए, और धूल धक्कड़ हटाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं वीडियो बनाएंगे और आपको अपनी गाड़ी का टूर देंगे। और मैंने दीपक को और भी कुछ टास्क दिए, जरा बताना। मैंने इसको बोला है कि बिकॉज जर्मनी इज कार लैंड, ऑटो लैंड बोलते हैं ना यहाँ पर, तो ऑटो मतलब कार होता है जर्मन में। तो मैंने इसको बोला है कि यहाँ पर जितनी भी अच्छी कार्स हैं, एक्सपेंसिव कार्स हैं, प्लीज़ उसका मतलब इंटीरियर और उसकी सारी चीज़ें दिखाओ, है ना। हाँ मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा, मतलब जितना हो सकता है। कुछ तो मेरे फ्रेंड्स के पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, दिखाता हूँ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हम लोगों के पास जितना भी कंटेंट मिलेगा, एक प्रॉब्लम ये है गाइस कि यहाँ पर लोगों को ना वीडियो में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बड़ी दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मतलब कोई आने नहीं चाहता कैमरे के सामने, लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मतलब बहुत कोऑपरेटिव नहीं है लोग यहाँ पर। जैसे अभी हम इंडिया गए थे, हम वहाँ वीडियो बनाए थे, तो लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, हमें लगा ही नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, एक अलग से उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, और उसमें भी वो बहुत शाय होते हैं, और फिर उसमें ना एक वो स्पोर्टिव नहीं हो पाता है ना वीडियो बनाने में। शॉप पे देखा था ना? हाँ वो वीडियो तुमने पोस्ट किया है क्या? हाँ हाँ कर दिया, जब तक ये जाएगा जब तक तो कर ही दूँगा। उसमें देखना आप डिफरेंस इटली वाले बंदे और जर्मन में। हाँ तो एक ये रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग यहाँ के लोकल लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। एंड हम लोग जब बर्लिन जाएंगे तो ज़रूर कोशिश करेंगे वहाँ के लोगों से बात करने की। एंड हाँ मतलब यस हम लोग मतलब आपको हर एक ब्लॉग में अपने तो जर्मनी से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करते ही रहते हैं चलते फिरते। क्या होता है पहले पे करो और ऑटोमेटिक वॉश होता है, अंदर जाओ बाहर से पूरी गाड़ी वॉश हो जाएगी मशीन से, और फिर बाहर निकलते हैं ड्रायर एरिया में, वहाँ पे वैक्यूम क्लीनर लगे होते हैं बड़े बड़े बहुत सारे, उससे आप गाड़ी अपनी अंदर से पूरी खुद से साफ करो। और चलते हो दिखाऊंगा आपको।
लिया है और कैंडल ली है, एक छोटी टेबल लेनी थी वो ली है, बस। कहाँ है गाड़ी? रख लिया है, हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, 50 यूरो की है ना, 50 यूरो की शॉपिंग कर ली है। उसमें हमने सिर्फ क्या कर लिया, 50 यूरो में दो पिलो, एक छोटी टेबल, एक कैंडल, एक बॉटल, बस। चलो फिर अब नेक्स्ट क्या क्या घर जाना, फिर टायर चेंज करने जाना, मतलब टायर रखने जाना फ्रेंड के यहाँ पर। अभी देखो गाइज, ये देखो पीछे आपको पहाड़ दिख रहे हैं क्या? मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छा लगता है। पता है यहाँ एक शॉपिंग करना तो एक मज़ा है ही है, यहाँ आना भी बहुत बड़ा अच्छा मज़ा है ना। देखो आपको पीछे दिख रहा होगा, शादी के फोटोज देखेंगे और फिर देखते हैं कैसे रिएक्शन ना। हाँ यार बहुत फनी फोटोज हो सकते हैं उसमें से कोई। हाँ यार, हम लोग अपने शादी के फोटोज देख के सब लोगों को बताएंगे कि कौन कौन है ना। ओके चलो। हाँ हाँ बोलो। चाय बना रहे हैं? वही बना रहे। मुझे पता था तुम्हारा जब ये टोन आता है ना, मैं समझ जाती हूँ कि अब डिमांड आई चाय बनाने। कृपया इसे ना देखिए, कृपया 18 साल से बच्चे इसको इग्नोर करिए। इसमें दीपा मुझे लाइट वहां लगी वो लगा दो ना। छोड़ के मत जाओ। क्या आप टायर रख के आ चुके हैं? दीपक, क्या आप टायर रख के आ चुके हैं?
क्या आप टायर्स रख के आ चुके हैं? अब आप क्या यहाँ आइएगा, आ जाइए आप यहाँ, हमें बाहर घूमने जाना है, हम बोर हो गए हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप इतनी देर से क्या कर रहे थे? हम आपका इंतजार कर रहे थे। मैं उससे बात कर रहा था जरा। वो वैसे तो बात करता नहीं है। क्या बात कर रहे थे आप उनसे? पार्क की ये बढ़िया नजारे हैं, और ये देखो मेरे को मेरे भी नजारे तुम्हारे भी नजारे अच्छा चलो अब हम लोग जा रहे हैं कॉपलैंड। चलो कॉपलैंड के बारे में सुना ही होगा, बहुत अच्छी बड़ी चेन है यहाँ पर सुपरमार्केट की। कितना बुरा लग रहा है ना ऐसे बोलना, अभी तो निकाल ही सकती हो। हाँ जब अंदर जाऊँगी तो पहन लूँगी, दीपक मुझे डांटता है। तो देखो अब ये देखो कितना अच्छा है यहाँ हम लोगों को शॉपिंग करने में, कितने अच्छे ट्रीज लग रहे हैं ना सनलाइट में। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। एब्सेंट 66 इसलिए इसमें भैया 66% डाल रहे हैं अल्कोहल। और ली है शॉपिंग, मैंने शॉपिंग की है, मैं आता हूँ। मैं लगता है गलोगे नोच लो इसे, बहुत ही क्यूट है। नहीं अब बस हो गया वीडियो, हो गया क्या? हाँ तो गाइस लाइक सब्सक्राइब प्लीज, फैमिली को और बढ़ाओ। दीपक बोल रहा था ये क्या है, व्हाई यू आर डूइंग दिस? नहीं नहीं मैं नहीं बोल रहा था, और थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट गाइस, और जस्ट टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है। इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना, वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा। तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना, और लाइक करना मत भूलना गाइस।